नमस्कार, सुबह के आज 8 बज चुके हैं। आज तक पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बीते एक घंटे से लगातार वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिहार विधानसभा परिसर से ये बड़ी कवरेज आज तक पर लगातार आप देख रहे हैं। यही वो जगह है जहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर बैठने के लिए जोर आजमाइश एक तरफ नीतीश कुमार की जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी दम ठोक रहे हैं। लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिग्गजों ने सुबह सुबह ही उठकर सबसे पहले मतदान किया है। सबसे पहले नजर आए सुशील मोदी, उप मुख्यमंत्री। कोरोना काल में कोरोना को हराने के बाद उन्होंने मतदान किया। आज तक से बातचीत करते हुए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोगों से अपील भी की है कि वो मतदान की इस प्रक्रिया का हिस्सा बने, अपने घर से बाहर निकले। उसके बाद चिराग पासवान नजर आए, लंबी लाइन लगी हुई थी, कतार में खड़े होकर अपनी बारी का वो इंतजार करते रहे और उसके बाद इस चुनावी प्रक्रिया का वो हिस्सा बन चुके हैं, मतदान कर चुके हैं। राज्यपाल ने भी वोटिंग कर ली है और इस तरह से लगातार जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो मतदान की इस प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए। लेकिन एक उदासीन तस्वीर भी सामने आ रही है। आपको बता दें, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भारी तादाद में लंबी कतारों में जो मतदाता हैं वो लगे हुए हैं, तो वहीं शहरी क्षेत्रों में एक उदासीनता भी दिखाई दे रही है, जिसको लेकर लगातार हमारी ये चर्चा जारी है। लेकिन इस समय का अपडेट यही है, बीते एक घंटे से 94 सीटों के लिए 17 जिलों की मतदान की ये प्रक्रिया लगातार जारी है। 1500 से ज़्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से दो सबसे बड़े चेहरे, एक राघोपुर से तेजस्वी यादव खुद दम ठोक रहे हैं, दूसरी बार वो चुनावी मैदान में हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री, तो वहीं दूसरी तरफ उनके भाई हसनपुर से तेज प्रताप यादव भी हैं। बाकीपुर की सीट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पटना की है। बाकीपुर की सीट महत्वपूर्ण हो जाती है। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा चुनावी मैदान में हैं। नितिन नवीन तीसरी बार हैट्रिक लगाने के इरादे से वहाँ पर मैदान में उतरे हुए हैं, जबकि इसको दिलचस्प बना रही है, त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश की जा रही है प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी की ओर से। और ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग हिस्सों की आपको हम दिखा रहे हैं। मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। आज तक भी लगातार आपसे यही अपील कर रहा है कि आपके इलाके में अगर वोटिंग हो रही है तो वोट डालने के लिए आप जरूर जाइएगा। आपको बताते चलें कि आज का ये इलेक्शन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, जो 17 जिले हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, ये तमाम इलाके सीधे रुख कर लेते हैं। रोहित सिंह हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, ये तमाम लोग पहुंचेंगे वोट डालने के लिए। रोहित, किस तरह की तस्वीरें हमारे दर्शकों को आप दिखाएंगे और मुद्दा कौन सा हावी इस इलाके में दिखाई दे रहा है आपको? है ना, इन लोग का भी भाजपा जदयू का विदाई है और दोनों भगना 40-50 हजार वोट से जीत के आ रहा है। महागठबंधन 210 सीट जीत के आ रहा है। 210 जीत के आ रहा है। 10 तारीख को आप 10 बजे देखिएगा कि कितने बढ़ोतरी हो चुका, हो सब 200-400 सीट हो जाए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सरकार बनेगी महागठबंधन की तो जंगल राज वापस आ जाएगा जो 1990 से 2000 के बीच में। वो प्रधानमंत्री जी हैं देश का, उनको बोले थे प्रधानमंत्री जी, आप लोगों को भी याद हुआ कि हम 15 लाख रुपया कर्ज में भिजवाएंगे स्विट्जरलैंड से, कहाँ से काला धन लेके आएंगे, सबको आपको बांटेंगे 15-15 लाख खाता पर, और हर एक साल दो करोड़ नौकरी देंगे नौजवानों को। कहाँ नौजवान सब आज रोड पर, वही ना नौजवान आज सरकार बदलने का इसी में है। तो क्या 10 लाख नौकरी का जो तेजस्वी ने वादा किया है, आपका भांजा जो है पूरा करेगा वादा अपना? पक्का करेगा। कैसे करेगा? जादव का बेटा है, पक्का करेगा। पक्का करेगा। तो मुख्यमंत्री बनेगा तेजस्वी क्या? मुख्यमंत्री बनेगा भांजा? पक्का बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा दम। जंगल राज तो नहीं आएगा जैसा कि सब बोल रहे हैं? नहीं, गलत बात है, लोग गलत बात बोल रहा है। साधु और साधु यादव और सुभाष यादव के समय में जंगल राज था, लोग कहते हैं आपके दोनों भाई जो। नहीं, गलत लोग कह रहा है, गलत है। वो 15 साल सब बीत गया, 15 साल के बाद बताइए, 15 साल तो बीत गया, 15 साल में कितने लोग मर गए, कितने लोग दह गए? अभी कौन सा राज चल रहा है? चल रहा है अभी तो सब। मैं फोन लगा आपके पास, राघोपुर का सीधे रुख कर लेते हैं। राघोपुर से हमारे साथ उत्कर्ष सिंह इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आप यादव बहुल, ये पूरा का पूरा इलाका जो कि आरजेडी का गढ़ माना जाता रहा है, 1995, 2000, 2005 में ये सीट आरजेडी जीती रही है, 2015 में भी तेजस्वी यादव ने यहाँ से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़के जीत हासिल की है। उत्कर्ष वहां से मौजूद है। उत्कर्ष, क्या जानकारी देंगे आप? राघोपुर से खुद तेजस्वी यादव मुकाबले में है, सबकी नजर इस हाई प्रोफाइल सीट पर, किस तरह की जानकारी, बड़े मुद्दे वहां कर और मतदाताओं में किस तरह का उत्साह इस वक्त नजर आ रहा है? उत्कर्ष,
चित्रा मतदाता यहाँ पर सुबह से ही पोलिंग बूथ पर आ चुके हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के बिद्दूपुर इलाके में है और ये आप कतार देखिए कि ये कतार कोई अभी नहीं आई है, बल्कि सुबह 6:30 बजे के बाद से ही जो मतदाता थे वो घरों से बाहर निकले हैं। चूँकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है, बिहार में मुख्यमंत्री पद के दावेदार और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यहाँ के सिटिंग MLA हैं और दूसरी बार वो यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इसलिए ये अहम सीट हो गई है। सतीश कुमार BJP के कैंडिडेट हैं जो जिन्हें पिछली बार तेजस्वी यादव ने हराया था, हालांकि इन्हीं सतीश कुमार ने 2010 में तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी को इस सीट पर शिकस्त दी थी। मतदाता यहां पर हैं, मतदाताओं से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर इनका चुनावी मुद्दा क्या है। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। शिव कुमार जी, क्या चुनावी मुद्दा है आप लोगों के लिए, किस आधार पर आप वोट करेंगे? हम लोग विकास के नाम पर वोट करेंगे, जो विकास करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। बिद्दूपुर या फिर आपका हम राघोपुर विधानसभा क्षेत्र बोलें तो क्या विकास में अभी पिछड़ा हुआ है? हाँ हाँ, अभी पिछड़ा हुआ है, यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ मैंने स्नातकोत्तर का पढ़ाई नहीं हो रहा है, ये सब यहाँ कमी है राघोपुर में। क्या नाम है भाई आपका? अमय कुमार। ये बताइए, चुनावी मुद्दा क्या है, किस आधार पर आज आप वोट डालने आए हैं, क्या सोच कर? एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा बस। शिक्षा के अलावा क्या कोई दूसरा मुद्दा? नहीं, कोई दूसरा मुद्दा नहीं। आपको क्या लगता है कि इस इलाके में? तो ये यहाँ के मुद्दा है, यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि अंदर की ये पोलिंग बूथ है जहाँ पर चूंकि कोरोना है, कोरोना को देखते हुए एक साथ सारी भीड़ को अंदर नहीं आने की अनुमति दी जा रही, गिनती के जो वोटर हैं उन्हें ही पोलिंग बूथ के अंदर आने दिया जा रहा है, बाकी लोगों को गेट के बाहर ही रखा जा रहा है। हालांकि यहां पर जो है तस्वीरें वो आप देखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराई जा रही है, हालांकि 2 गज की दूरी तो नहीं है फिर भी, लेकिन बाकी जगहों के मुकाबले यहां पर स्थिति फिर भी ठीक है। महिलाएँ हैं, महिलाओं की संख्या हालाँकि कम नज़र आ रही है, लेकिन जो पुरुष मतदाता हैं वो यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में दिख रहे हैं। हालाँकि जो दो तीन और पोलिंग काउंटर हैं वहाँ पर फिलहाल कोई नहीं दिख रहा है, वो खाली दिख रहा है। हालांकि इधर आपको हम तस्वीरें दिखाएं कि जो मतदाता हैं वो सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं। राघोपुर की ये सीट काफ़ी अहम है क्योंकि यहाँ से महागठबंधन के CM फेस तेजस्वी यादव दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, ये लालू परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। यहाँ से दो दो मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव यहाँ से चुनकर आते रहे हैं और इस बार तेजस्वी यादव जो कि खुद महागठबंधन से CM कैंडिडेट हैं वो दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 2015 में वो पहली बार यहाँ से चुनाव उन्होंने लड़ा था। यादव बाहुल्य, जैसा कि चित्रा ने बताया कि ये इलाका है और यहाँ से उन्होंने जीत हासिल की थी, इस बार वो दूसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मतलब एक उत्कर्ष देखने को मिल रहा है उत्कर्ष सिंह, वहाँ पर जो तस्वीरें हमारे पास पहुँच रही हैं, कतारें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे वहां पर मतदाता और भारी तादाद में उमड़ेंगे, जैसा कि वहां की परिपाटी और इतिहास भी रहा है। सीधे रुक कर लेते हैं भागलपुर का, सत्यजीत हमारे संवाददाता भागलपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अश्विनी चौबे वहां पर पहुंचेंगे मतदान करने के लिए। सत्यजीत, मुद्दे वहां के बड़े कौन से हैं और साथ ही मतदाताओं में किस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है, लोगों से भी बातचीत कीजिए, आज के इस दूसरे चरण के मतदान को लेकर क्या राय जाहिर कर रहे हैं लोग? देखिए, जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे चित्रा पहले कि यहाँ मुद्दे जो है बेसिकली एक तो हमने ट्रैफिक कंजेशन का बताया, गंगा के ऊपर जो है एकाद और ब्रिज की का एक्सपेक्टेशन यहाँ के लोगों को है, साथ ही साथ जो विक्रमशिला है जिसको नालंदा यूनिवर्सिटी का कंटेम्प्रेरी बताया जाता है उसको बौद्ध सर्किट से जोड़ने की बात की जो है वो मांग पुरानी है यहाँ की। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये सिग्निफिकेंट जगह है, अशोक कुमार और जो किशोर कुमार जो प्लेबैक सिंगर थे उनका भी ननिहाल है, शरद चंद्र का ये जगह है आप देख सकते हैं। तो यहाँ से सिल्क इंडस्ट्री जो है उसका रिवाइवल नहीं हो रहा है, सक्सेसिव गवर्नमेंट जो है बिल्कुल। चित्रा, बिल्कुल, मैं चाहूंगी पीछे की तस्वीरें भी दिखाइए, जो लोग पहुंच रहे हैं उनसे भी मुद्दों को लेकर अगर आप बात बिल्कुल कर बिल्कुल चित्रा
जी बिल्कुल, देखिए ये यहाँ पे चार बूथ हैं बेसिकली, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है अभी आपको इसलिए रश नहीं दिख रहा है क्योंकि टाइमिंग जो है वो 7 बजे से शाम 5 बजे तक का है, लेकिन एक वोटर जो है वो हमारे साथ हैं। एक आपने वोटिंग कर ली? हाँ सर। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ समस्याएं क्या क्या है भागलपुर में, जो एक कहीं ना कहीं रोड है, नाला है, ये सब समस्या है, और क्या समस्या है सर, जनरल समस्या जो की है। चलिए ठीक है, कुमार अभिषेक पटना से कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, वो हाथ उठा रहे हैं, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। कुमार अभिषेक, किस तरह की जानकारी देंगे आप हमारे दर्शकों को? कुमार, चित्रा देखिए, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में भले ही आपको लंबी लंबी लाइनें दिखाई दें, कतार दिखाई दे, लेकिन पटना का VIP इलाका है राजेंद्र नगर, पुराना पटना, पुराने जितने बड़े लोग थे महत्वपूर्ण इसी इलाके में रहते थे, और आप देखिए यहाँ कोई मौजूद नहीं है, इक्के दुक्के लोग। हम आपको जो ये जहाँ पर ये वोटिंग हो रही है, मतदान केंद्र, वहाँ का हाल दिखा रहे हैं। ये वक्त वो वक्त होता है जब लोग बड़ी तादाद में निकलते हैं वोट करने, तमाम प्रोटोकॉल कोविड के आपको हमारे साथ इस वक्त दिखाई देंगे, लेकिन मतदाता नहीं है। इक्के दुक्के लोग भी इस वक्त हम देख सकते हैं कि यहाँ मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो लोग वोटिंग करा रहे हैं वैसे लोग ही मौजूद हैं। यहाँ पे दो बूथ हैं लेकिन कोई मतदाता इस वक्त नहीं है। तो ये एक ऐसी तस्वीर है जिसकी कम से कम कल्पना हम लोग नहीं करते आज के वक्त में, कि पटना जैसे शहर में जहाँ पर जागरूक मतदाता हैं वहाँ हमें एक भी मतदाता न दिखाई दे। और ये 8 बजने सुबह का वक्त है, इस वक्त ज़रूर उम्मीद की जाती है कि लोगों की लाइन हमें दिखाई देगी। एक आध मतदाता इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। ये बताइए, आप लोग के लिए क्या मुद्दे हैं इस बार? रोजगार है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा, इसी की चर्चा है पूरे चुनाव में है, लेकिन जो तस्वीर हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि पटना है, पटना के लोग, पटना का ये राजेंद्र नगर है, और इस इलाके में हमेशा से वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम रहा है। कई और लोग हैं मतदान करने जा रहे हैं। आप लोग जरा बताइए इस बार क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में आप लोगों के लिए? मुद्दा तो यही है, बेरोजगारी पहले है, बेरोजगारी पहले है। हाँ, बिहार में बहुत इसका दिक्कत है, बच्चा लोग हम लोग का बाहर जाता है। तो मतदाताओं के लिए अपने अपने मुद्दे हैं। हम इस वक्त जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, उम्मीद ये करते हैं कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे मतदान में तेजी आएगी। कोविड प्रोटोकॉल हमें दिखाई दे रहा है, सवाल ये है कि आखिर इस तरह की उदासीनता शहरी मतदाताओं में हमेशा से क्यों देखी जाती रही है? पटना में इस बात का इतिहास रहा है, इस तरह की स्थिति बार बार यहाँ पर पैदा क्यों होती है? बड़े बड़े दिग्गज इसी राजेंद्र नगर इलाके में रहते हैं, बड़े बड़े नेता जिनके बड़े बड़े मकान भी आपको दिखाई दे जाएंगे, उसके बावजूद वो अपने वोटर्स में उस तरह का उत्साह पैदा क्यों नहीं कर पाते कि वो सबसे पहले वोटिंग करने के लिए जाएं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन आज का दंगल किसका होगा मंगल, ये बड़ा सवाल। मंगलवार का दिन किसके लिए खास, किसके लिए आम रहने वाला है? अलग अलग तस्वीरें भी जो लगातार सामने आ रही हैं वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और साथ ही विंडो में आप देख पाएंगे कि किन किन दिग्गजों ने वोटिंग कर ली है, और साथ ही वो कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, जिनके भविष्य का निर्धारण इस वक्त आम जनता इस समय कर रही है। और आज का दिन बेहद जरूरी मतदाताओं के लिहाज से, क्योंकि उन्हीं के पास 5 साल के बाद ही सही लेकिन ये पहुंचते हैं अपने भाग्य का निर्धारण करने के लिए, और मतदाताओं के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा भारी तादाद में वोट डालने के लिए जरूर जाए। लेकिन राकेश प्रवीण जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, एक तरफ ये जो उदासीनता है इस पर भी मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। पटना में राजेंद्र नगर ये इलाका, बड़े बड़े दिग्गज वहां पर रहते हैं, लेकिन वहां पर अब सन्नाटा एक तरीके से देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण की आज की इस वोटिंग को कैसे अलग इतर देख रहे हैं आप? लेके जितनी सतर्कता बरतनी चाहिए या एहतियात बरतनी चाहिए वो चुनाव आयोग से लेकर और पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से भी बार बार बताया गया है कि आप बूथ तक जाएं लेकिन मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ये सारी बातें बताई गई है। लेकिन इस बार का चुनाव पिछले तमाम चुनावों से अलग है, लोगों के मन में और शहरी मतदाता थोड़ा विलम्ब से घर से निकलते हैं, अहले सुबह वो बूथ पर नहीं जाते हैं, उनकी अपनी रूटीन है, दिनचर्या है, सुबह उठना है, चाय पीना है, फ्रेश होना है और अखबार पढ़ के फिर वो निकलेंगे आराम से। तो मेरा ये मानना है कि शहर के मतदाता वो निकलेंगे लेकिन 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद निकलेंगे। क्योंकि जो जिस इलाके की बात हो रही है पटना में,
जो पिछले साल जल जमाव हुआ था, सबसे ज्यादा प्रभावित राजेंद्र नगर इलाका था, बिल्कुल कुमरार विधानसभा क्षेत्र है वो। मैं वहाँ पे गई भी थी, शारदा सिन्हा जी भी वहीं रहती हैं, उनके घर में पूरा पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर पानी में भरा हुआ था। शारदा सिन्हा तो फंसी हुई थी उसमें, बिल्कुल रेस्क्यू किया गया था। तो सबसे बड़ी बात की उदासीनता इसलिए भी है इस बार क्योंकि पटना का जो शहरी क्षेत्र है, जो चार विधानसभा क्षेत्र है, वो बीजेपी का गढ़ रहा है, गढ़ है, लेकिन जो विधायक और जिस तरीके का उनको मदद पहुंचानी चाहिए थी उस संकट के काल में, उस तरह का उन्होंने सुजीत जी आपको रोकना पड़ रहा है। एक ब्रेक के बाद हम फोन लौट रहे हैं। सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है बिहार विधानसभा परिसर के बाहर से, पटना से आप देख रहे हैं आज तक, देखते रहिए आज तक, फौरन लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा मत। सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है, 94 सीटों के लिए दूसरे चरण की वोटिंग लगातार जारी है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर गजब का उत्साह मतदाताओं के भीतर देखा जा रहा है, लेकिन शहरी क्षेत्रों की बात करें, खासतौर से पटना की बात करें, तो यहां पर उदासीनता नजर आ रही है। लेकिन बार बार आपसे यही अपील कि आपके इलाके में वोटिंग हो रही है तो वोट डालने के लिए जरूर जाएं। और ये तस्वीरें अलग अलग हिस्सों की आपके सामने हम रख रहे हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। सबसे बड़ी कवरेज बिहार विधानसभा परिसर से लगातार जारी रहेगी, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।